हमारा विषय है, ये हमारे पास सोनी का लैपटॉप है और इसमें खराबी ये है कि जैसे देखिए हमने पावर सप्लाई से इसको सप्लाई दी है और ये पावर सप्लाई लगा दी, इसमें 16 आ रहा है, इसका मतलब पावर सप्लाई मिल रही है इसको, और ये पावर का बटन दबाया, जैसे पावर का बटन दबाया है देखिए बूटिंग यहाँ पर 1500-1700-2000 तक पहुँच गई है और ये देखिए लाइट जल रही है, यहाँ पर भी लाइट जल रही है बट स्क्रीन नहीं आ रहा है राइट। थोड़ा स्क्रीन ना आने पर हम थोड़ा लैंप जला करके ये देखेंगे, थोड़ा सा लैंप जला करके ये देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि स्क्रीन पर लाइट अकेली नहीं आ रही और स्क्रीन आ रही है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं आने का मतलब ये है कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पावर आ रहा है, यहाँ पावर आ रहा है और इसका फैन भी घूम रहा है ठीक है, लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं आ रहा है, क्या होता है ना वीजे प्रॉब्लम ठीक है। तो आइए अब हम इसको ठीक जो करते हैं और इसको समझते हैं कि इसको किस तरीके से हमको ठीक जो करना चाहिए। तो इसको सबसे पहले हम वीजे को रिपेयर करने के लिए इसका रैम वाला पोर्शन खोलेंगे, रैम वाले पोर्शन को इस तरीके से ये हमने लॉक लगा हुआ है एक्चुअली। इसके बाद सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इस रैम को दोनों स्लॉटों में लगा करके देख लेंगे ठीक है ना। तो इसको एक बार नीचे वाले स्लॉट में भी लगा के देख लेंगे और नहीं होगा तो एक बार रैम को बदल के भी चेक करेंगे। क्योंकि हम इस लैपटॉप में रैम को ऑलरेडी बदल के देख चुके हैं लेकिन रैम से ये ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें अंदर प्रॉब्लम है राइट। तो अब हम इसको खोल करके ठीक करेंगे, अभी भी देखिए सेम पोजीशन है, खोलते हैं इस लैपटॉप को। लैपटॉप को खोलने के लिए पहले हार्ड डिस्क इसको खोलना रहेगा, हार्ड डिस्क को निकालना रहेगी, ये इसकी दूसरी वाली रैम रखी हुई है और इसमें जो भी नट अच्छा दूसरा सोनी के अंदर सोनी पीछे से खुलता है, इसका जो बैक कवर निकलेगा वो पीछे की साइड से निकलेगा, आगे की साइड से नहीं निकलता लगभग सभी सोनी ठीक है। जबकि बाकी के जो लैपटॉप होते हैं मतलब अदर कंपनी के वो सारे आगे की साइड से खुलते हैं और सोनी का लैपटॉप पीछे की साइड से खुलता है। दूसरा सोनी के अंदर ये कि यहाँ पर जो पीछे दो स्क्रू लगे रहते हैं इन स्क्रू का साइज़ बाकी के जो स्क्रू होते हैं इनसे डिफरेंट रहता है, यानी इनसे थोड़ा सा मोटा स्क्रू रहता है और ये स्क्रू लगाना बेहद आवश्यक होता है क्योंकि अगर यहाँ पर स्क्रू नहीं लगाएंगे तो हमारी डिस्प्ले प्रॉब्लम करेगी, फिटिंग में दिक्कत आएगी, इसलिए यहाँ पर ये लगाना ज़रूरी है। और इसमें जो भी नट हमारे लगे हुए हैं वो सारे लगे करके खुलेंगे। इसके बाद देखेंगे कहाँ कहाँ नट लगे हुए हैं, खोल लिया हमने और देखेंगे लगा है, इसको भी खोल लिया हमने, तो जहाँ भी हमें नट दिखाई दे रहे हैं वो सारे नट हम इसमें से खोल लेंगे एक एक कर। देखिए यहाँ पर हम एक स्क्रू और रह गया है, और ये हमारा लैपटॉप इस तरीके से खुल जाता है सोनी। देखिए ये लैपटॉप में काफ़ी डस्ट है, कोई नहीं डस्ट का मतलब ये है कि लैपटॉप फर्स्ट टाइम खुला है, क्योंकि अगर एक दो बार खुल चुका होता तो इसमें ये इतना सारा डस्ट जो नहीं होता, ऑलरेडी सफाई। चलिए ठीक है, देखिए ये लैपटॉप खुल लिया, तो देखा हमने सोनी का लैपटॉप जो होता है वो पीछे की ओर से खुलता है और इसी प्रकार से इसको पैक करेंगे। फिलहाल इसमें जो खराबी है हमारी वो स्क्रीन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए है, तो इसकी खराबी को रिपेयर करने के लिए हम रैम तो निकाल के लगा चुके हैं, एक बार दोबारा से इसको ठीक से लगाएंगे। और देखिए इसका जो डिस्प्ले का जैक है एक बार हम इसको खींचेंगे और साफ करके दोबारा से इस जैक को लगाएंगे और इस जैक को दोबारा लगाते हैं। चलो उस लैपटॉप को चेक करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लैपटॉप को चेक करना चाहते हैं तो ये दो स्क्रूओं को हम लगा देंगे थोड़ा सा, इससे इसकी फिटिंग यथावत बनी रहे, नहीं तो हम इसको आप फ्लैप पर नीचे करेंगे थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी। इसको ये स्क्रू लगा देते हैं, वो भी निकला हुआ है सर,
देखिए इस लैपटॉप को हमने अभी जैक निकाल के लगाया, इस लैपटॉप को बहुत ही अच्छे से इधर हाथ लगाते हुए ऐसे इस तरीके से इसको ऐसे करेंगे और इसको चेक करेंगे क्या पोजीशन है। पोजीशन नहीं है, अभी इसकी सेम पोजीशन है। ये लैपटॉप खोल लिया है बट अभी स्क्रीन इसका नहीं आ रहा है। सब अब हम इसको बनाएंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से हमें इस लैपटॉप को बनाना है। तो सबसे पहले तो इसमें जैसे ये फैन और हीट सिंक हम देख रहे हैं, इसको खोलेंगे। देखिए काफ़ी धूल मिट्टी जमा है इस पर, तो इसको थोड़ा साफ कर देंगे। और इसको खोलेंगे, इसका सबसे पहले फ़ैन देखते हैं फ़ैन कहाँ पर कसा हुआ है। तो फ़ैन एक्चुअली इसकी हीट सिंक पर लगा हुआ है, ये देखिए ये पूरा फ़ैन विथ हीट सिंक है, तो इसलिए हमको इसको पूरी हीट सिंक को खोलना रहेगा। हम यहाँ से जब इसको खोलते हैं तो थोड़ा ध्यान रखते हैं कि हम कौन से स्क्रू कहाँ से निकाल रहे हैं। जैसा कि हमने ये स्क्रू निकाले हैं तो छोटे स्क्रू हैं, उनको एक जगह संभाल के रखे जाएंगे। हमने इसको खोल लिए हैं, देखेंगे इसको थोड़ा सा सॉरी, इसकी फिटिंग को ध्यान रखेंगे कि हम किस तरीके से इसकी फिटिंग को हटा रहे हैं। फैन जैक खींच लेंगे और टेस्टी लग रहा है, पानी तो नहीं। देखिए भैया ये हमने इसका जैक निकाल लिया है, इसके बाद हम ये जो भी जैक इसमें लगे हुए हैं इनको अच्छे से निकाल लेंगे। थोड़ा ध्यान रखेंगे हम कौन सा जैक कहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए ये सारे जैक हमने निकाल दिए और ये वाईफाई के तार निकाल देते हैं इसमें से। ये वाईफाई कार्ड को इसमें लगा रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है इससे। और देखते हैं आगे, इसको खोलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे स्क्रू कहाँ लगा हुआ है। ये हमारा ब्लूटूथ कार्ड लगा हुआ है, इसको भी निकाल देते हैं इसमें से। चलिए देखिए भैया इसको, ये सारे जैक हमने निकाल लिए। ये वाईफाई कार्ड चूंकि मदरबोर्ड में लगा है इसलिए रहने देंगे इसको। और अब हम देखेंगे कि हमारे और नट कहाँ लगे हुए हैं थोड़ा सा। अब देखिए इसको खोलने के लिए हमने ये सारे नट खोल लिए हैं, तो इसमें अब हमने इसका मदरबोर्ड निकालना है। तो इसको दोबारा से अच्छे से यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से प्रेस करते हुए, कुछ नुकसान ना हो। और इसका ये कीबोर्ड निकालेंगे हम सबसे पहले यहाँ पर। सॉरी देखिए कैसे खोल रहे हैं अपन इसको, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है सोनी का लैपटॉप। कोई नट तो नहीं है, ये देखेंगे अगर कोई लॉक नहीं निकलता है, थोड़ा सा उस पर गौर करेंगे, ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई लॉक है। उसको पीछे की साइड से ये लॉक लगे हुए हैं। चलो देखिए इसको अपन थोड़ा सा ऐसे उठाएंगे। ये लॉक एक्चुअली क्या थोड़े हार्ड रहते हैं, जब हम इसको फर्स्ट टाइम खोलते हैं ये चूंकि हमें कीबोर्ड निकालना कंपलसरी इसलिए था, क्योंकि अगर हम कीबोर्ड नहीं निकालेंगे और ये जैक नहीं निकालेंगे तो ये पीछे से ये दोनों चीज़ें नहीं निकल पाएंगी, ऊपर से निकलेंगी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर सोनी में किस तरीके से हम काम को जो कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये ऐसा इसको ऊपर करेंगे और यहाँ पर ये जैक लगा हुआ है। चलिए ये जैक खोला हो, यहाँ पर कुछ टूटना नहीं चाहिए इसलिए सावधानी पूर्वक काम किया जाए। ये कीबोर्ड निकाल दिया, ये यहाँ के जो स्विच लगे हुए हैं उनका जैक लगा हुआ है,
इसको भी खोल लेते हैं और इसको भी निकाल दिया। ये स्पीकर के जैक हैं, इसको भी निकाल देते हैं। एक और जैक लगा हुआ है, वो भी हटा देते हैं। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा निकालेंगे इस तरीके से, ये निकाल दिया। और ये हमारा टच पैड का जैक लगा है, इसको भी निकाल देते हैं। देखिए इतने सारे जैक हमें कीबोर्ड निकालने के बाद ही निकालने थे, ठीक है जी। यहाँ देखेंगे सब कुछ ठीक है, और ये भी देखेंगे कोई स्क्रू तो नहीं लगाया था, सब कुछ ठीक है। इसको थोड़ा लॉक करते हुए प्रेस करते हुए हम इसको वापस से, अब हम इस मदरबोर्ड को इसमें से उठाएंगे और देखेंगे क्या पोजीशन है। जैसा कि हम इसको उठा रहे हैं, ये कहीं अटक रहा है, एक मिनट, हाँ सॉरी, यहाँ पर एक जैक और लगा हुआ है जो कि शायद ऊपर से नहीं खुलेगा है। तो उस जैक को हम किस तरीके से रिमूव करेंगे देखेंगे। ये जैक जो लगा हुआ है एक्चुअली, ये जो इसमें जो ये पत्ता लगा हुआ है, इसको रिमूव करने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं, इस प्लेट को खोल लें, इसमें हमारे USB ऑपरेट हो रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। ये खोला और ये पत्ता एक्चुअली यहाँ पर चिपका हुआ है, चाहे तो हम इस प्लेट को निकाल सकते हैं और इस पत्ते को देखेंगे, ये चिपका हुआ है, इसको धीरे धीरे से निकालेंगे इस तरीके से, और इसको भी थोड़ा सा इस तरीके से निकालेंगे, और ये मदरबोर्ड हमारा बाहर आ गया। यहाँ पर हमें पूरी सावधानी रखनी है, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करना, नहीं तो हमारी छोटी सी गलती से बड़ा नुकसान हो सकता है। चलिए ठीक है, ये देखिए हमने इसको यहाँ तक खोल लिया है। अब हम इसमें, अब जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारी गंदगी है, तो सबसे पहले हम इसकी सफाई जो करेंगे, थोड़ा देखेंगे ध्यान से, इसमें बहुत सारी गंदगी है, धूल मिट्टी जमी हुई है बहुत सारी। सबसे पहले तो हम इसकी सफाई करेंगे। ये धूल मिट्टी का मतलब ये है कि बहुत टाइम से लैपटॉप खुला नहीं है। इसमें सबसे पहले हम, हमने इसकी धूल मिट्टी साफ कर ली है। इसके बाद इसमें हमें जहाँ पर भी थोड़ा इसमें गंदगी ज़्यादा है, तो थोड़ी सफाई करेंगे इसकी, क्लीनिंग आईसी के आसपास की सफाई करेंगे। पिनों को साफ करेंगे, सफाई के लिए आईपी का यूज़ करेंगे। उसके बाद इसको इधर से साफ करेंगे। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ सब कुछ क्लियर है। अब देखिए इसको रिपेयर करने के लिए हम, इसमें जो विजय नहीं आ रहा है, इसके लिए हमने इसकी सफाई तो जो कर दी है। इसके बाद इसमें ग्राफिक्स के लिए यहाँ पर ये NVDIC लगा हुआ है, इस पर थोड़ा पेस्ट लगा हुआ है, दिख नहीं रहा है। तो हम इस चिपाईसी को हीट मारेंगे विजय मशीन द्वारा, ठीक है। पीछे सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो समझते हैं किस तरीके से क्या इसको हीट मारना है। ये हमारा ग्राफिक साइज है, रैम हम देखेंगे ठीक लगा है, ओके। चलिए तो इसको हीट करते हैं। चलिए ये जो ग्राफिक साइज ही है इसका, छिपाइस पासवर्ड इंटर टेम्परेचर, एक इसमें हीट जो मारेंगे हम, वो 150 से 200 तक मारेंगे। तो ये नंबर एक पर सेट ऐसा है, देखते हैं, ठीक है। ये 150 से 200 तक NVIDIA सेलेक्ट, ओके, बैक एंड स्टार्ट, और ये हीट लगना है इसमें स्टार्ट हो जाए।